Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel Hope Building Good Guys. Hope you absolutely fine guys. And दो महीने हो गए एंड दो महीने के बाद मैं ये वीडियो इंट्रो शूट कर रही हूँ एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है लाइक इतने टाइम के बाद शूट कर रही हूँ. बहुत टाइम हो गया कोई मेरे वीडियोज डाले हुए. एंड ऐसे ही ई कॉमर्स शुरू हुआ, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो. सो गाइज, मैं भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रही हूँ रियली में. तो ई कॉमर्स शुरू हो गया है एंड ऑलमोस्ट सारे साइट्स पे आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल रही है. तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप ऑनलाइन आराम से मंगा सकते हो. सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ एंड अच्छा लगा तो कॉमेंट ज़रूर से करना. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लिबास की कुर्ती सेट्स जो कि गर्मियों के लिए परफेक्ट है. एंड गाइज, बहुत गर्मी आ गई है लाइक बहुत ही ज़्यादा. एंड वीडियो शुरू करते हैं. सो कॉमेंट ज़रूर से करना एंड लिंक आप सारे वर्क करेंगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. सो वहाँ पे चेक कर ले एंड जो भी पसंद आए मुझे कमेंट करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. हम बहुत ही करीब है 20K के. सो प्लीज़ हेल्प करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. माय नेक्स्ट आइटम इज दिस नेवी ब्लू ऑफ वाइट सॉलिड कुर्ता विथ प्लाजो एंड दुपट्टा. टॉप एंड बॉटम फैब्रिक इज पॉलीक्रेप, दुपट्टा फैब्रिक इज नेट, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड नेट दुपट्टा है जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही अच्छी है दुपट्टे की. राउंड नेक के साथ है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स है एंड प्लाजो है. प्लाजो की लेंथ चौड़ाई दोनों बहुत अच्छी है, स्ट्रेट हेम के साथ है. प्लाजो पे आपको पॉकेट्स मिलेंगे. बहुत ही लाइट वेट कुर्ती सेट है, प्लेन है, सिंपल है एंड उस पर दुपट्टा बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है. लाइक पूरी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा बहुत ऑसम लग रही है. मेरा साइज पे मीडियम है एंड ये कुर्ती सेट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो स्पेगेटी मस्ट नहीं है इस पर वेयर करना. प्राइस वगैरह मैं आपको स्क्रीन के साइड में दे दूंगी, सो आप एक चेक कर लें. और मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. इस पर एक और कलर ऑप्शन है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप एक बार चेक कर लें. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लू एंड व्हाइट प्रिंटेड कुर्ता विथ प्लाजो. मटेरियल इज प्योर कॉटन, टॉप बॉटम दोनों की फैब्रिक कॉटन है. बहुत ही ऑसम कॉटन है, लाइट वेट है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है, राउंड नेक है, फ्लेयर हेम है एंड काफ़ी ज़्यादा घेर है कुर्ती में. लाइक मुझे ये कुर्ती 800 समथिंग की मिली है एंड उस प्राइस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है. प्लाजो की लेंथ भी बहुत ऑसम है एंड कुर्ती पे एंड प्लाजो पे प्रिंट्स बनी हुई है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट है. नेकलाइन पे डिफरेंट प्रिंट है, फ्लेयर पे डिफरेंट है, प्लाजो पे डिफरेंट, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रही है. इस पर आप एक वाइट चुन्नी डालोगे तो बहुत ज़्यादा ऑसम लगेगी एंड डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है. मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. इस गर्मी सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाइटवेट कुर्ती है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और आप इसे बहुत ज़्यादा घिसकर पहन सकते हो, लाइक डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो और ये एज इट इज़ रहेगी. मटेरियल और प्रिंट इतनी ज़्यादा अच्छी है एंड लिबास की कुर्ती सेट मैं डेली यूज़ पे बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ. सो बहुत लंबी चलती है, बहुत अच्छी निकलती है. सो हाईली रिकमेंड करूँगी. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लू एंड ग्रीन ब्लॉक प्रिंट कुर्ता विथ ट्राउजर एंड दुपट्टा. टॉप बॉटम दुपट्टा तीनों की फैब्रिक कॉटन है, प्योर कॉटन है, बहुत ही लाइट वेट कॉटन है एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. सो स्पेगेटी पहनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मैंडरिन कॉलर के साथ है, थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, फ्लेयर हेम है एंड बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है क्योंकि ट्राउजर के साथ है तो बहुत ऑसम लग रही है. लाइक इतनी फ्लेयर है जो ट्राउजर के साथ काफ़ी अच्छी लगी. प्रिंट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड दुपट्टे पे जो येलो प्रिंट्स दी हुई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. पहनने पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड इस तरीके के जो कुर्ती सेट्स होती है लिबास की, ट्रस्ट मी गाइज, वो बहुत लंबी टिकती है. लाइक कितना भी धो पहनो वाली होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेयर कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. और इस पर मेरा साइज मीडियम है. प्राइस आपको स्क्रीन के साइड पर मिल जाएगी एंड इस पर और भी कलर ऑप्शंस है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. सो अगर आपको वो पसंद आए तो आप चेक कर सकते हैं. बट इस गर्मियों के लिए इस तरीके की कुर्ती सेट मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. एंड दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी है और प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं दुपट्टे की. I've been flipping pages since I could remember.
That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. On the weekdays. I never tell when we say. My next item is this blue and green printed kurta with plazo and dupatta. Top, bottom and dupatta fabric is pure cotton. ये कुर्ती सेट बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. बहुत ही लाइट वेट है एंड गर्मियों के लिए परफेक्ट है. बहुत ही कम्फर्टेबल है. आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स मिलेगी, लाइक कुर्ती एंड प्लाजो पर डिफरेंट प्रिंट्स है, दुपट्टे पर डिफरेंट प्रिंट्स है. दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है और उसकी जो प्रिंट्स है वो भी बहुत अच्छी लग रही है. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है. साइड स्लेट के साथ है एंड प्लाजो पर दो पॉकेट्स पर आपको मिलेंगे. एंड इस तरीके की कुर्ती सेट लिबास से मैंने आपको अपने हॉल पे बहुत सारे दिखाए, लाइक 3-4 तो पक्का दिखाए. इस पे बहुत सारे कलर ऑप्शंस एंड डिजाइंस आपको मिलेंगे. मैं 3-4 ऑलरेडी पहन चुकी हूँ एंड वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत परफेक्ट है. लाइक मैं अभी तक उसे धो रही हूँ, पहन रही हूँ और वो बिल्कुल वैसे ही है. इसलिए मैंने फिर इसे डिफरेंट कलर में लिया है और इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. लाइक डेली वेयर, ऑफिस, कॉलेज के लिए परफेक्ट है. बाद में इसे थोड़ा पुराना हो जाने के बाद आप डेली यूज पे घर पे भी कर सकते हैं और ये बहुत लंबी चलती है, ट्रस्ट मी गाइस. सो इसे आप ट्राई कर सकते हैं एंड मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और भी डिफरेंट कलर्स का. एंड जो मैंने इससे पहले भी ट्राई करा, आप जरूर ट्राई करें. मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड चिकनकारी कुर्ती विद दुपट्टा एंड इस पर मैंने खुद का प्लाजो वेयर करा है. मैंने लोकल मार्केट से 300 रुपये में ली थी. मटेरियल इसका 70% पॉलिस्टर, 30% जॉर्जेट है. बहुत ही ऑसम मटेरियल लगी है मुझे. मुझे चिकनकारी कुर्तीज मोस्टली कॉटन पे पसंद नहीं आती है, जॉर्जेट पे ही पसंद आती है. सो फ्रंट पे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक पे भी है. कुर्ती फ्लेयर हेम के साथ है, ट्रिकोटर स्लीव्स है, दुपट्टे पर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, लेकिन कुर्ती पे भर भर के चिकनकारी वर्क है. सो ये चीज़ मुझे ये कुर्ती सेट की बहुत अच्छी लगी. बहुत लाइट वेट भी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड जब आप कुर्ती देखोगे तो बहुत सी थ्रू लगेगी, बट पहनने के बाद उतनी सी थ्रू आपको नहीं फील होगी. लाइक एक नॉर्मल स्पेगेटी मैंने इस पे वेयर करा है और बहुत अच्छे से काम चल गया. मुझे ग्रीन स्पेगेटी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस पे. सो मैं इसे रिकमेंड करूँगी. थोड़ी सी प्राइस हाई है बट सादगी ब्रांड की है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है. एंड चिकनकारी कुर्तीज़ लोकल मार्केट में भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, इतनी पूरे वर्क वाली. सो मुझे बहुत पसंद आई मिंत्रा में, मुझे मिल गई. एंड इस पे और भी कलर ऑप्शन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो आप चेक कर ले. एंड दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है. फ्रिल कुर्ती की भी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. Guys, I hope video पसंद आई. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना, बताना कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.